हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको स्क्वेयर रूट और क्यूब रूट के बारे में बताऊंगी, ठीक है। वन से लेकर टेन तक की स्क्वेयर, ये वन की स्क्वेयर वन, टू की स्क्वेयर फोर, थ्री की स्क्वेयर नाइन, फोर की स्क्वेयर सिक्सटी, फाइव की स्क्वेयर टू फिफ्टी, और सिक्स की स्क्वेयर 36, सेवन की स्क्वेयर 49, एट की स्क्वेयर 64, नाइन की स्क्वेयर 81, टेन की स्क्वेयर 100। अब देखो कि अपने को ये देखना है कि जो वन है ये किन किन की स्क्वेयर के क्या आता है, लास्ट में आता है। तो जो वन है ये दो, एक तो आता है वन की स्क्वेयर करेंगे तब वन आएगा लास्ट में, और एक नाइन की स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लास्ट में वन आएगा। इसी तरह से अपने बात करते हैं फोर की, कि लास्ट में फोर है वो किन किन की स्क्वेयर के लास्ट में आएगा। तो टू की स्क्वेयर करेंगे तो फोर आएगा हमारे पास, ठीक है, और आएगा एट की स्क्वेयर करेंगे तो फोर आएगा लास्ट में। इसी तरह से नाइन देखते हैं कि नाइन है वो लास्ट में किन किन की स्क्वेयर करने पर आएगा। तो थ्री की स्क्वेयर करेंगे तो नाइन आएगा, और सेवन की स्क्वेयर करेंगे तो नाइन आएगा लास्ट में। इसी तरह से हमने बात करते हैं सिक्स की, सिक्स लास्ट में किन किन की स्क्वेयर करने पर आता है, फोर और सिक्स। फोर की स्क्वेयर करोगे तो 16 आएगा, और सिक्स की स्क्वेयर करोगे तो 36 आएगा, लास्ट में सिक्स ही आएगा। एक ऐसी वैल्यू है जिसकी स्क्वेयर करने पर पीछे वही वैल्यू आती है, तो वो है फाइव। फाइव की स्क्वेयर करोगे तो सेम फाइव ही आएगा। अब अपने स्क्वेयर रूट निकालना देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपने लेते हैं 4489 का रूट। अब देखो करना क्या है अपनों को, नाइन है वो किन किन की स्क्वेयर करने पर लास्ट में नाइन आएगा। तो थ्री और सेवन की जब अपने स्क्वेयर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, नाइन आएगा, ठीक है। कि नाइन है वो थ्री की स्क्वेयर करेंगे और सेवन की स्क्वेयर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, नाइन आएगा। अब 44 है वो देखते हैं कि किन की स्क्वेयर के नज़दीक है। 44 है वो नज़दीक किसकी स्क्वेयर के हैं, इधर से देखो तो 36 किसकी स्क्वेयर है, 6 की, ठीक है। और 7 की स्क्वेयर क्या है, 49। तो 44 से 36 छोटा है और 49 क्या है, बड़ा है। ये दोनों ही स्क्वेयर अपने को देखनी है। अब हमेशा जो आंसर में अपनी छोटी स्क्वेयर वाली वैल्यू ही लिखेंगे, या तो आंसर 63 या 67, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट में अपनों को पता है कि नाइन है, जो नाइन है ना वो किन किन की स्क्वेयर के पीछे आता है, थ्री और सेवन के स्क्वेयर के पीछे आएगा। तो थ्री और सेवन तो लास्ट में होगा ही होगा, हर मतलब उनकी वैल्यू के पीछे। और अब देखना है कि ये जो 44 है इसकी जो छोटी सी स्क्वेयर आएगी ना उसी को ही अपने लिखेंगे, 63 या 67, इन दोनों में से आंसर हो सकता है। अब इन दोनों को चेक करने के लिए पहले देखो क्या करना होगा, 36 मल्टीप्लाई सेवन, ये जो स्क्वेयर है इनका मल्टीप्लाई करो, 42 आ गया, 42। अब देखो 44 बड़ा है 42 से, मतलब 44 क्या है, बड़ा है 42 से। तो 44 बड़ा है 42 से, तो अपना आंसर क्या होगा, बड़ी वाली वैल्यू होगी। मतलब जो 4489 का जो आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास, 67, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो ये तरीका कर लो कि इन दोनों की स्क्वेयर है, इन दोनों की जो डिजिट है इनका मल्टीप्लाई कर जो आंसर आएगा उसमें देख लेना कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। उसके बाद करना क्या है, या तो इन दोनों की जो 36 और 49 है इन दोनों के अंतर में देखो कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ पर अंतर कितने का रहा है, 5 का अंतर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर अंतर कितने का आएगा, 8 का अंतर आएगा। तो नज़दीक कौन सी बड़ी वाली स्क्वेयर के नज़दीक आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, बड़ी वाली वैल्यू का ही आएगा, ये आंसर हो जाएगा।
अब अपने बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, तो ये 7396, अब ये देखते हैं कि ये किसकी स्क्वेयर रूट बनेगा। तो 6 है वो किन की स्क्वेयर करने पर लास्ट में आएगा, तो 6 है या तो 4 की स्क्वेयर करोगे या 6 की स्क्वेयर करोगे तब 6 आएगा अपने पास लास्ट में, या 4 की स्क्वेयर करोगे या 6 की स्क्वेयर करोगे तो अपने पास लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। अब अपने को क्या करना होगा, लास्ट से जोड़े बनाने होंगे, ठीक है। तो 73 देखते हैं, हम 73 है वो किन की स्क्वेयर के नज़दीक है, तो 73 है, 73 से थोड़ी बड़ी स्क्वेयर देखनी है और थोड़ी छोटी स्क्वेयर देखनी है। अब देखो 73 है ये 8 की स्क्वेयर के नज़दीक है 64, ठीक है, और 9 की स्क्वेयर के नज़दीक है 81, ठीक है। तो अब देखो हमेशा अपने को लिखना क्या है, छोटी स्क्वेयर का ही मान आंसर आएगा, छोटी स्क्वेयर का ही, ठीक है, छोटी स्क्वेयर की वैल्यू आगे आएगी। अब देखना 8 तो लिखना ही लिखना है, अब अपने को चेक करना है कि या तो 4 आंसर में आएगा या 6 8 के साथ, या 84 आंसर आएगा या 86, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। अब इन दोनों को चेक करने के लिए अपने क्या करेंगे, या तो ये जो स्क्वेयर है इन दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 8 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 72, ठीक है। अब देखो 73 है वो बड़ा है किससे, 72 से, मतलब जो अपनों को क्वेश्चन में पूछा है वो 73, ठीक है, वो 72 से बड़ा है, तो अपने पास आंसर क्या आएगा, बड़ी वाली वैल्यू का ही आएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब या तो इन दोनों के अंतर निकाल कर कर लेना, ठीक है, तो अंतर इसके ज़्यादा नज़दीक आएगा, अंतर निकालोगे तो 8 का अंतर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ अंतर आ जाएगा 9 का, इस तरह से अंतर देख लेना। तो नज़दीक अंतर ये रहा, तो मतलब बड़ी वाली वैल्यू के नज़दीक है, तो 86 आ जाएगा। अब दोबारा से एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, 7396 किसकी स्क्वेयर होगी, तो 6 है लास्ट में, तो 6 किन किन की स्क्वेयर के आएगा, या तो 4 की स्क्वेयर के आएगा या फिर 6 की स्क्वेयर के से आएगा, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि जो क्वेश्चन अपने पास है उसके अंदर आंसर में या तो लास्ट में 4 आएगा या फिर लास्ट में 6 आएगा। अब अपने दो दो के यहाँ से क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, तो लास्ट वाले जोड़े को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब 73 है, 73 देखो कि किसकी स्क्वेयर से नज़दीक है ज़्यादा, ठीक है, किसकी स्क्वेयर के, मतलब इसके नज़दीक स्क्वेयर कौन कौन सी है, तो 8 की स्क्वेयर 64 है और 9 की स्क्वेयर 81 है, ठीक है, इन दोनों की स्क्वेयर के बीच में ही 73 आएगा कहीं ना कहीं, हमें पूरा पता नहीं है कि कहाँ आएगा, ठीक है। और हमेशा आंसर क्या आएगा, छोटी स्क्वेयर वाली वैल्यू का ही होगा, या तो आंसर में 84 आएगा या फिर 86 आएगा। अब ये सोचो कि अपने ये दो वैल्यू ही क्यों निकालते हैं, कि छोटी क्यों निकालते हैं और एक बड़ी क्यों निकालते हैं, क्योंकि अपनों को इन दोनों को डिसाइड करना है कि 4 और 6 में से कौन सी वैल्यू अपने आंसर में होगी, इसलिए अपने क्या करते हैं, दोनों ही वैल्यू को यूज़ करते होते हैं, या तो 80, अब देखो इन दोनों में से वैल्यू कौन सी आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 9 और 8 का, कितना आ जाएगा 72, तो 73 बड़ा है 72 से, तो आंसर क्या आएगा, बड़ी वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, या अंतर से चेक कर लो, ठीक है, अंतर देखो यहाँ 8 है मतलब कम अंतर है, तो कम जहाँ अंतर आएगा, बड़ी वाली स्क्वेयर में कम अंतर आ रहा है, तो आंसर बड़े वाले होगा, ठीक है। अब अपने बात करते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड थर्ड की, अब देखो ये है 16129, अब इसका स्क्वेयर रूट देखो कैसे निकलेगा, तो 9 है वो किन किन की स्क्वेयर के पीछे आएगा, तो 9 है वो 3 की स्क्वेयर करेंगे तो, ठीक है, और 7 की स्क्वेयर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। अब पीछे से क्या करने हैं अपनों को, दो दो के जोड़े, ठीक है, तो लास्ट में जितनी वैल्यू बचेगी उसके स्क्वेयर देखो कितना बनता है, तो 161 है इसकी स्क्वेयर, देखो आसपास कितनी है, ठीक है, तो या तो ये 12 की स्क्वेयर हो सकेगी 144, ठीक है, या 13 की स्क्वेयर 169, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में होगी 161, ठीक है। अब देखो करना क्या है, छोटी वाली वैल्यू को ही हमेशा आंसर में लिखेंगे, ठीक है, अब या तो 123 आंसर हो सकता है या 127 आंसर, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब देखना है कि अपने को इन दोनों में से आंसर करना क्या है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, दोनों वैसे मैंने तो आपको बता ही दिया है कि कौन सा अप्लाई करना चाहो, दोनों से आंसर सही निकल जाएगा, या तो अंतर देख लेना कि बड़ी वाली स्क्वेयर का आ रहा है या छोटी वाली का आ रहा है, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई वाला ठीक है,
12 और 13 का मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो भी बड़ी वाली वैल्यू आएगी, तो 1 to 7 इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। लेकिन अपने इसके अंतर से दिख रहा है अपनों को कि 169 है, वो काफी पास है 161 से, ठीक है। 8 नंबर का अंतर आ गया, तो मतलब ये 144 है, ये काफी दूर है, 169 है, काफी पास है। मतलब बड़ी वाली जो स्क्वेयर है ना, इसका जो क्या अंतर है वो काफी नजदीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 127, ये बड़े वाली स्क्वेयर का आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। वही किया उन्होंने लास्ट वाली संख्या का, देखा है कि किसकी स्क्वेयर बनती है, 9 है तो 9, 3 और 7 इन दोनों की स्क्वेयर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। अब पीछे से दो दो के जोड़े बनाएंगे तो बचा क्या 161, तो इसकी स्क्वेयर देखोगे किसके नज़दीक है, 12 की स्क्वेयर 144, 30 की स्क्वेयर 169, इन दोनों के पास है। तो हमेशा छोटी वाली वैल्यू ही लिखेंगे अपने आंसर में। तो अब देखो आंसर है वो 1, लास्ट में तो ये दो चीज़ें तो आनी चाहिए, या तो 123 आएगा या 127। अब इन दोनों को डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे अपने, इन दोनों से चेक करेंगे इनके अंतर से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 127, क्योंकि ये बड़ी वाली स्क्वेयर है, इसके ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। अब देखो ये तो सारे क्या थे, परफेक्ट नंबर थे, जिसकी उन्होंने इजीली क्या निकाल ली, स्क्वेयर रूट निकाल लिया। अब देखो नॉन परफेक्ट नंबर कौन से होंगे, नॉन परफेक्ट नंबर की अपने बात करते हैं। जिनके पीछे क्या होगा 2, 3, 7, 8, तो जिनके जिन संख्या के पीछे लास्ट में क्या होगा 2, 3, 7, 8 होंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा नॉन परफेक्ट नंबर हो जाएंगे। अब एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसके लिए अलग मेथड है थोड़ा। एग्जांपल रूट में क्या आएगा 87 दे रखा है, तो 87 से थोड़ी छोटी स्क्वेयर देखो कौन सी है, तो 9 की स्क्वेयर बन रही है, तो 9 की स्क्वेयर क्या है 81, क्लियर, ठीक है, 81 है 9 की स्क्वेयर। अब इसमें सीधा ही क्या करना है, थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है कि जिसकी स्क्वेयर से छोटा है ना वो लिख लो यार 9, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद प्लस रूट के अंदर जो वैल्यू है उसमें से क्या कर दो, इसको घटा दो 81 को, ठीक है। उसमें क्या करना है, फिर अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई किससे करना है 9 से। अब इसको सॉल्व करना है, 6 अपॉन में 9, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9.33। तो ये रूट 87 है, इसका आंसर क्या आएगा 9.33। सिर्फ इसको सॉल्व करना है 9 प्लस में 87 माइनस 81 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 9, तो इसको थोड़ा क्या किया है सॉल्व किया है, तो 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 0.33, फिर ऐड कर दिया इनको 0.33, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बस ये जो रूट 87 है इसकी थोड़ी सी छोटी स्क्वेयर देखनी है कि कौन सी है, 81 है तो इसके अंदर जिसकी स्क्वेयर का है ना ये छोटी वैल्यू उसकी क्या कर देना 9 लिख देना, फिर ऐड कर देना, फिर जो रूट के अंदर वैल्यू है 87 उसको घटा देना किससे 81 से, फिर अपॉन में क्या करना है इस 9 का दुगना करना है, फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर 9.33 इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब अपने बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, रूट में दे रखा हो 114 दे रखा हो, इससे थोड़ी छोटी स्क्वेयर देखो क्या आएगी, 10 की स्क्वेयर है मतलब 100, ठीक है। अब 10 है वैसे की वैसे लिखो, फिर प्लस में जो रूट के अंदर वैल्यू है 114 इसमें से घटा दो 100 में से, फिर इसका दुगना कर दो 10, ठीक है, फिर इसको घटाने पर 40 आया, 2 × 10, ठीक है, फिर इनको क्या करना है सॉल्व करना है 0.7, तो इसका आंसर क्या हो गया 10.7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी नॉन परफेक्ट की क्या हो जाएगी स्क्वेयर रूट कैसे निकालते हैं वो ट्रिक हो जाएगी। अब आगे अपने बात करते हैं क्यूब रूट की, कि क्यूब रूट है वो कैसे निकलेगा। देखो 1 से लेकर 10 है इसकी तक क्यूब तो याद मतलब होनी ही चाहिए। अब देखो करना क्या है कि दो ही ऐसी वैल्यू है
जैसे एक देखो टू है, टू की क्यूब करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, एट आएगा, और एट की क्यूब करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, दो। मतलब ये दोनों क्या है, आपस में इंटरचेंज है। इसी तरह से अपने बात करते हैं थ्री की, थ्री की क्यूब करोगे तो सेवन आएगा, और सेवन की क्यूब करोगे तो लास्ट में थ्री आएगा, ठीक है। अब बाकी जो वैल्यू बची है उसकी, जो मतलब जिस वैल्यू से क्यूब करोगे वही लास्ट में आएगा। जैसे फोर की क्यूब करोगे तो 64, तो लास्ट में फोर ही है। फाइव की क्यूब करोगे तो फाइव ही है लास्ट में, सिक्स की सिक्स है। नाइन की करोगे तो लास्ट में नाइन है, और टेन की करोगे तो लास्ट में जीरो ही है। अब एग्जांपल ये लेते हैं अपने, इसकी क्यूब करते हैं, ठीक है। कैसे होगी, अब ये जो क्यूब रूट है वो बिल्कुल ही क्या होगी, ईजी है। थ्री है, थ्री किसकी क्यूब करने पर आएगा, तो सेवन की क्यूब ही करोगे तो थ्री आएगा लास्ट में, ठीक है। अब लास्ट से क्या करने, क्यूब निकालने हैं, तो लास्ट से क्या करोगे, तीन तीन के जोड़े बनाओगे। अब बचा 19, तो 19 किसके क्यूब के नज़दीक है, मतलब इससे हमेशा क्या देखनी है, छोटी क्यूब ही देखनी है। तो 2 की क्यूब करोगे तो 8 आएगा, और 3 की क्यूब करोगे तो 27 आएगा, जो कि 19 से क्या है, बड़ी है। हमें क्या देखना है, छोटी वैल्यू ही देखनी है। 2 की क्यूब क्या करोगी, 8 होगी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27, क्योंकि अपने इसमें बड़ी क्यूब इसलिए नहीं निकाली क्योंकि अपनों को पता है कि लास्ट में तो सेवन ही आएगा। एक डिजिट तो कंफर्म ही है कि लास्ट में सेवन ही आएगा, बस उसके सामने वाली, उसके आगे वाली डिजिट ही देखनी है। तो वो क्या लिखते थे अपने, छोटी ही लिखते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 27 क्या आ जाएगी, इसकी क्यूब आ जाएगी। इसमें क्या किया, दोबारा देखो एक बार, ये थ्री है, थ्री देखो किसकी क्यूब है, लास्ट में सेवन की क्यूब करोगे तो लास्ट में थ्री आएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, अपने तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। अब लास्ट में क्या बचा, 19, 19 की क्यूब देखो किसके, किससे छोटी है थोड़ी, तो 8 से छोटी है, तो ये किसकी क्यूब है, 2 की क्यूब है, तो 27 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये 7 यहाँ है जो इसमें से अपनों ने लिया है, क्योंकि ये 3 और 7 है वो आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। सिर्फ ये दो वैल्यू ही अपने को देखनी है कि 2 है वो 8 में चेंज हो जाएगा, 3 है वो 7 में, और 7 3 में, और 8 है वो 2 में, और बाकी जो भी वैल्यू है वो क्या आएगी, सेम की सेम आएगी। अब एग्जांपल नंबर दूसरे की बात करते हैं, तो इसमें 6 है, किसकी क्यूब करने पर 6 आएगा, तो सिर्फ 6 की क्यूब करोगे तभी 6 आएगा, तो लास्ट में क्या आएगा, आंसर में 6 आएगा। फिर पीछे से क्या करोगे, तीन तीन के जोड़े बनाओगे। अब क्या बचा, 175। अब ये किसकी क्यूब से छोटा है, तो किसकी क्यूब से छोटा है, 5 की, तो 5 की क्यूब क्या होती है, 125, तो आंसर क्या आ जाएगा, 56, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या थे, क्यूब रूट। इसी तरह से आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, काफ़ी सारे क्यूब रूट निकाल सकते हो। एक बात और कि जो स्क्वेयर रूट थी ना, स्क्वेयर रूट 1296, इसका रूट इस पर अप्लाई नहीं होती है, बस इस वाले नंबर पर अप्लाई नहीं होती जो स्क्वेयर रूट है, ठीक है। बाकी सभी नंबर पर क्या हो जाएगी, स्क्वेयर रूट अप्लाई हो जाएगी, वो वाली ट्रिक। अगर आपको स्क्वेयर रूट और क्यूब रूट की ये वाली ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।